भारत का थ्योरी उद्योग कितनी अपॉर्चुनिटी, कितनी संभावनाएं और उन संभावनाओं के साथ हम खुद को कितना मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं, डेटा ये बता रहा है, स्टैट ये बता रहा है कि हाँ वी आर ऑन राइट ट्रैक। आपका एनालिसिस क्या है मैम? आपने जो बताया वो सही एनालिसिस आपने किया है। वो हम आज हमारा डेयरी और दूध उत्पादक क्षमता में हम दुनिया में भारत नंबर वन में है ग्लोबली। तो उसी में आज का सब्जेक्ट जैसे वो विमेन और महिलाएं के रोल देते तो 70% 70% विमेन ने डेयरी एक्टिविटी में काम कर रही है। तो वो बढ़ते बढ़ते अभी देखो 80-80 मिलियन फार्मर्स इसमें डेयरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। उसी में हम अभी आज के दिन में कम से कम 50,000 डेयरी कॉरपोरेटिव्स वो सिर्फ महिलाओं के लिए महिलाओं जुड़े हुए डेयरी कॉरपोरेटिव्स बनाया है। वो अपने आप ये एग्जाम्पल है कि कितने विमेंस आगे बढ़ गया है। अच्छा, वो पहले थे कि हर का जो एक्टिविटीज है चराने के लिए और खाना पिलाना ये सारा चीजें करने के लिए विमेन सबसे आगे थे। अभी जो लीडरशिप लेवल में आया है वो अपने आप पूरा विमेन का डेयरी कॉपरेटिव बनाया है। और डेयरी कॉपरेटिव में अभी हमारे देश में 2 डेयरी कॉपरेटिव कम बिल्कुल मीन्स सारे मेंबर्स भी महिलाएं हैं। उसके साथ जो कमिटी है और बोर्ड मेंबर्स है सारे महिलाएं हैं। सो दो अच्छे से दो और एक आंध्र प्रदेश में और एक गुजरात में 2 है। और उसके साथ साथ 19 MBCs विमेन प्रोड्यूसर कंपनीज अभी हमारे पास है। ये सारे एग्जाम्पल्स वो दुनिया आई मीन भारत सबसे दुनिया में सबसे आगे बढ़ने का एग्जाम्पल है। वो हम विमेन एम्पावरमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट में के लिए आने के लिए डेयरिंग उसको हेल्प किया है। लेकिन डॉक्टर सुलेखा, हम बढ़ रहे हैं, देश बढ़ रहा है, लेकिन जो आधी आबादी है ना महिलाओं की, वो भी इस बढ़त में आगे बढ़ती रहे। और आपने तो टाइम देखा कि जब वो सिर्फ चारा लाने तक सीमित थी और आज वो नेतृत्व क्षमता के साथ लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो देखो वो अपने आप असन इंडिविजुअल वो महिलाएं 50% उसका भी है, इच्छा भी आना चाहिए। वो उसी में जुड़े और उसको हम सपोर्ट भी करना चाहते हैं। वो सपोर्ट करने के लिए हम राज्य सरकार और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से सारा हेल्प भी हम दे रही है, योजनाएं और स्कीम के रूप में हम दे रही है उसको। तो अगर हम यहाँ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स देखते तो हम उसको 50% सब्सिडी में डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेयरी फार्म खोलने के लिए बड़ा फार्म खोलने के लिए उसको हम 2 करोड़ तक हम दे रही है महिलाओं को। वो स्पेसिफिकली देखो हमारा सारा स्कीम्स में हम विमेन को प्रायोरिटी दे रही है। अच्छा, वो जितना परसेंटेज अगर स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन वो एप्लीकेशन जैसे आता है उसमें से हम उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। नहीं तो ये लिखित में है कि अगर महिला अप्लाई करेगी तो इसको इतना मिलेगा और पुरुष करेगा तो उसको थोड़ा कम मिलेगा। क्या ये ऑन पेपर है मैम या फिर आपकी प्रायोरिटी जब फॉर्म सेलेक्ट करते हैं तब होती है? वो तो गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है कि हम 33% के ऊपर हम विमेन को हर स्कीम का बेनिफिट देना चाहते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल हम ऐसे प्रोसेस करता है और विमेन को हम आगे बढ़ने के लिए हम हेल्प भी सपोर्ट भी दे रही है। और भी सपोर्ट जैसे हमारे और भी स्कीम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मींस तो क्रेडिट।